बता रहा है कि रैंडम वेरिएबल आपका क्या है, व्हाट योर एक्स डिनोट, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स इन सैंपल। तो आपका रैंडम वेरिएबल क्या हो गया, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम इन सैंपल। आपके रैंडम वेरिएबल की डिफिनेशन क्या हो गई, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम इन सैंपल। अब नंबर हम कैसे पाते हैं, काउंटिंग के द्वारा कि किसी मेजरमेंट के द्वारा, मतलब किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा नंबर पाते हैं। हालांकि काउंटिंग का भी एक इंस्ट्रूमेंट ही है, काउंटिंग भी करने का हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। अब ये जो काउंटिंग होती है वो कंटिन्यूअस स्केल पे होती है कि डिस्क्रीट स्केल पर? डिस्क्रीट पे। तो इसलिए जब भी हम नंबर की बात करेंगे, हमारा रैंडम वेरिएबल नंबर की बात करेगा, तो हमारा रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट नेचर का होगा और उसका जो भी फंक्शन होगा वो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी फंक्शन होगा। ठीक है, तो इसमें आपका अब आप ये कह सकते हैं कि आपके रैंडम वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यूज क्या है। तो आपके रैंडम वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यूज हैं 0, 1, 2। ठीक है, अब कोई बता सकता है कि इसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या होगा? तो यार ये शाम तक ये लोग एडमिट करते ही रह जाएंगे। अब मैं शेयर कर रहा हूं, मैं किसी को अब नहीं एडमिट कर पाऊंगा। शेयर दिख रहा है? यस सर। यस सर। ओके, तो आज मेरे पास आ गया है टैब, तो मैं इस पे करता हूं, आगे चल रहा हूं। तो आपका इस केस में एक्स, सॉरी, क्या हो गया इसको, रिव्यू पे ही चलेगा क्या? तो आपका x है नंबर ऑफ डिफेक्टिव, क्या था उसमें, शब्द भूल गए। यस सर, डिफेक्टिव द रैंडम स्पेयर ऑफ साइज। हां, नंबर ऑफ डिफेक्टिव इन सैंपल। सो योर x में टेक 0, 1, 2। नाउ यू हैव टू टेल अबाउट द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब आपके पास जहां से आप ड्रॉ कर रहे थे यहां दो डिफेक्टिव थे और बाकी क्या थे, कितने? 8 नॉन डिफेक्टिव थे। तो जीरो की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ डिफेक्टिव जीरो। तो जीरो किस में से आएंगे, टू में से। जीरो किस में से आएंगे, टू में से, और एट में से कितने आएंगे, टू। ठीक है,
एट में से आएंगे टू और टोटल में से कितने ड्रॉ होंगे टू. तो अब आप कह सकते हो एट सी टू सी जीरो इन टू एट सी टू अपॉन टेन सी टू. हाँ अब अगर हम इसको इस टेन सी थ्री या टू सर तीन टपल का है सर तो अरे आप ड्रॉ कितने कर रहे हो. अच्छा तीन आइटम ड्रॉ कर रहे हो लेकिन पर सैंपल स्पेस तीन टपल का है. ओके 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 तीन ड्रॉ हो रहा है लेकिन डिफेक्टिव दो ही है. ओके ओके सो यहाँ पे आपका हो गया 8C3 डिनोमिनेटर हो गया 10C3 ठीक है. नाउ 2CX 8C3 माइनस एक्स एक्स इज इक्वल्स टू 0, 1, 2 So this is your probability function. So you can obtain now probability of x is equals to 0. क्योंकि आपका डिस्क्रीट फंक्शन हमेशा पॉइंट की प्रोबेबिलिटी देगा. नाउ यू कैन पुट दिस 0 एट इन प्लेस ऑफ 2 एक्स इनटू 8C1 अपॉन 10C3 एंड सिमिलरली यू कैन ऑब्टेन P1 यू कैन ऑब्टेन P2 एंड इफ यू आर गोइंग टू ऐड दिस थ्री डू वी गेट इट्स सम इक्वल टू 1 आर नॉट. यस सर से बहुत सारे इसमें हाँ C1 इसमें है सर वो कैसे क्या हुआ आपका थ्री है सॉरी जीरो है ठीक है. एक्स बराबर आपने जीरो लिया हुआ है तो यहाँ पे आप जीरो पुट करोगे तो थ्री होगा. वो गलत लिखा हुआ था. हाँ मैं केवल गलती से जानबूझ के भी लिखता हूँ कभी कभी स्किप कर जाता है तो आप अलर्ट रहोगे तो मुझे भी पता चलेगा कितने अलर्ट हो. ओके तो अब आप P1 P2 ये पक्का है कि ये निकल जाएगा कि नहीं. 2C0 की वैल्यू कितनी हो गई जरा जल्दी बता दीजिए. कोई आदमी 10C3 कैलकुलेट कर लीजिए एक आदमी 8C3 कैलकुलेट कर लें हाँ और हर आदमी बोले तो मैं जोड़ लूं. 10C3 का डिनोमिनेटर मैंने लिख दिया प्लस 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 सर 8C3 56 सर 8 यस सर 56 ओके 10C1 2C1 इनटू 8C2 1 के लिए क्या हो जाएगा 2C1 इनटू 8C2 यही होगा ना. तो सो 2C1 इज 2 एंड 8C2 इज 56 8C3 तो 56 हो गया ना. यस सर अब आपको बताना है 8C2 कितना होगा और इसी में आपको मल्टीप्लाई कर देना है 2 फिर बताना है सर 56 ही हो जाएगा अगर मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो. अच्छा अच्छा 56 ही हो जाएगा. ओके एंड नाउ यू हैव टू टेल 2C2 मीन्स 1 इनटू 8C1 तो ये हो गया 8. अब 10C3 किसी ने निकाला कि नहीं 120 क्या ये 1 आ जा रहा है 50 50 100 6 6 12 8 20 सर हो रहा है हो रहा है. अब इसमें क्या पूछा है और
कुछ ये पूछा है कि बस खाली यही बनाने को बोला है? सर पूछा गया क्या सर पूछा गया है? डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ओके। सो नाउ योर प्रोबेबिलिटी फंक्शन इज पी एक्स फॉर रैंडम वेरिएबल एक्स इज 2CX into 8C3 minus X upon 10C3 if X takes value 0 or 1, 2 and 0 otherwise. ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछे कि आप इसका ग्राफ दिखाओ तो आप क्या करोगे? एक्स एंड फंक्शन की वैल्यू। अब आपके फंक्शन की वैल्यू केवल तीन पॉइंट पर मिल रही है, 0, 1 and 2। सो एट 0 इट इज दिस मच, at 1 it is this much and at 2 it may be this much. अब ये आपका बार डायग्राम बना। आप चाहो तो इसकी विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए ऐसे भी कर सकते हो। And this is 56/120 and this is 8/120. Now if anyone ask what is probability that number of defective lies between 1 and 10? What is x? X is number of defective. What is probability that number of defective lies between 1 and 10? So, probability of number of defective is available only on 3 points and remaining all points probability is 0. So you can say that you are asking nothing but like this, you are asking probability of x is equals to 2 only, okay, and it will be 8/120. If anyone asks what is probability of x lies between 1 to 10, then it may be probability of 1 or it may be probability of 2. Now you can say that it is probability of this plus probability of this, because you are going to choose any one, so it should be union, and it is now 56/64/120. Now come on, this distribution function, this is this. This is what? This is sum of probability, not point probability. This mass function was point probability. And this distribution function is sum of probability. Okay? So, now it will depend on up to which point you want to sum. आप यहां पे क्या रख करके सम करना चाहते हो? तो अब चूंकि हमारे तीन पॉइंट्स पे हमें मिल रहा है तो हम लिखें इफ एक्स लेस देन 0, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, एक्स 1, 2, 2.
x to infinity. Now, to get the value of this function at each defined interval, what we think, how we calculate. Now, when we come for here, evaluation in this case, we think here. Here it is any value of x, and this x, which is less than this one. So whatever the value here we put, which is less than zero, the sum of probability will be zero. So it is zero. Now, if I want to know the probability for the x lies between this one. So now we are interested any point in this range. So whatever the any point in this range, you have to add all probability. So you will get probability at one place only. Hence, it is 21, how much it was? 56. 56 by 120. Now, when I come here, so my point is now any place in between this one, but not equal to 2. So how many points, if I see from infinity now, because I have to see from infinity here. So if I see from infinity up to any point in 1 to 2, how many points they are going to provide us probability? One is P0 plus P1 or P01. And this is equals to 112 by 120. Now, when you choose any point of x from here to here, means you are considering all over the sample space. So it will be P0 plus P1 plus P2. And it will be 1. Now, if anyone says you, draw the graph of this cumulative function. Now, let us see this function. A person is asking, number one, probability of x less than equal to 1.7. So what I will do? I will go in this function because this function provides us probability of less than type. So I will go in this function and see where x is less than 1.7. So here is the point. Okay. So what will be the probability? 1.1 112 upon 20. If a person asks, what is probability of x less than equal to 1.9? Then again, my x is in this interval, so my answer will be this one. If a person asks, what is probability of x less than equal to 0.4? So I will go in this function, capital Fx, and see where is x less than 0.4. So it will fall in this region. So the probability will be now this one. Okay. This is the use of probability, cumulative probability function. Because you can direct provide probability without any calculation. Now, if you want to make the graph of this one, it is not a very clear, straight line is not coming, vertical line 90 degree straight anyway. It is less than zero. This is your capital Fx. And this is your random variable x, number of defective.
आइटम इन सैंपल. सो 56 एट ए जीरो, इट इज जीरो एट 56 बाय दिस. ओके, दिस इज जीरो, दिस इज वन. नाउ अगेन एट वन इट इज 112, दिस इज टू, एंड एट टू दिस इज. सो दिस इज योर स्टेप फंक्शन. नाउ ओनली यू कैन गेट प्रोबेबिलिटी एट द जंप पॉइंट. एट एनी पॉइंट अदर देन द जंप पॉइंट प्रोबेबिलिटी विल बी जीरो. So if anyone asks probability of x is equals to 1.7, what will be probability? X is equals to 1.7. Anyone? Zero. Why? By 1.2. Why? Because if I see this function at point 1.7, there is no jump at this point, and hence the probability of this point will be zero. Okay, so where we get the probability in CDF? We get the probability in CDF a point probability if there is jump. Otherwise, we always get the probability in interval. Okay? So, we can get probability at this point. We can get probability at this point. We can get probability at this point. You got my point or not? Yes, sir. Okay. Now, suppose my probability function is like this. X PX O 1 and this is 1. Okay, whether my PX is everywhere in this interval, my function is what? Continuous or discrete? Continuous. If you go here, your function in the interval was continuous or discrete? Mass function, this probability function. Discrete. But here, the graph which I'm showing, this function is having a continuous nature. Okay? Now, if we have a function fxx of a variable x and it following two properties number one, fx is greater than equal to zero for every x, and number two, if we have a function fx of a continuous random variable of a continuous random variable, अभी random शब्द मैं नहीं डाल रहा हूं,
ओके ऑफ ए कंटिन्यूअस वेरिएबल एक्स एंड इट हैज फॉलोइंग टू प्रॉपर्टीज इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स ओवर द रेंज ऑफ एक्स इज वन देन द वेरिएबल द कंटिन्यूअस वेरिएबल x having function fx is called probability density function and a variable continuous variable x is called continuous random variable. ओके ठीक है. अब आपको इस जो हमने क्वेश्चंस भेजे थे उसमें कुछ जगहों पर पीडीएफ या कुछ करके लिखा होगा किसी क्वेश्चन में. क्वेश्चन नंबर 6 के आगे देखिए कुछ है क्या. हाँ क्वेश्चन नंबर 8 विच ऑफ अब क्वेश्चन नंबर 7 को जरा हमें आप बताएंगे. नोट करिए क्वेश्चन व्हाट द सर. हाँ सर एक क्वेश्चन था ऊपर जो सर आपने रिस्ट्रिक्शंस लिए थे. हाँ x lies between 1.7 to 1.9 वाला ऊपर सर एक पेज ऊपर थोड़ा सा जाइए सर. ये जो रिस्ट्रिक्शंस आपने लिखे हैं ना 56/120 1 to 2 to इनफिनिटी. बट सर जब x lies between 1.9 less or equal to तो सर इसमें तीनों केसेस इंक्लूड होंगे क्योंकि x is equal to 1.9 एग्जैक्टली. हम तो 1 1 12 upon 120 कह रहे हैं ना. 1.9 के लिए भी हम वही कह रहे हैं कि यही होगा. जो 1.7 रखने पे आएगा फंक्शन का वैल्यू वही 1.9 रखने पे आएगा. तो सर जो आपने लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस आर इक्वल टू 1.9 इसमें सर आपने एरो दिखाया कि उसमें जो कंडीशन होगी वो थर्ड वाली 1 12 by 1 20. बट सर अगर x less or equal to 1.9 है तो सेकंड केस. इधर देखिए इधर p x less than equal to 1.7. अब आप ग्राफ देखिए 1.7 इस ग्राफ में आपको कहां मिला. यहां पर ठीक है. अब यहां पर आप इस फंक्शन की वैल्यू कितना पा रहे हैं 1 1 2 upon 120 यही पा रहे हैं कि कुछ और पा रहे हैं. हाँ सर ये तो x is equal to 1.7 पे होगा ना less than की केस. नहीं x is equals to 1.7 पे नहीं है. ये x less than equal to 1.7 पे है. x is equals to 1.7 पे तो जीरो है प्रोबेबिलिटी. हाँ okay, ये जो फंक्शन है ये आपको प्रोबेबिलिटी बता रहा है. बाकी फंक्शन की ये फंक्शन की वैल्यू हमेशा प्रोबेबिलिटी है ठीक है. तो जब आप यहां पे x रखेंगे तो ये फंक्शन प्रोबेबिलिटी आपको जीरो देगा क्योंकि उस पे जंप नहीं है. जब आप यहां पर रखेंगे जीरो एफ
जीरो एक्स। अब इसकी वैल्यू पाने के लिए आप इस फंक्शन में जाएंगे, इस फंक्शन में जब जाएंगे तो देखेंगे जीरो कहां है इंक्लूड हो रहा है, तो यहां पे है, तो आपका उत्तर होगा 56 बाय 120। ठीक है, आपने कहा कैपिटल एफ हाफ, तो आप इसको पाने के लिए इस फंक्शन में जाएंगे, हाफ कहां है, यहां है, तो इस फंक्शन का वैल्यू हुआ 56 बाय 120। क्योंकि हाफ भी रहेगा तो आपको और यही जंप मिलना है हाफ के पहले, बाकी हर जगह जंप जीरो है, ये फंक्शन बाकी जगह प्रोबेबिलिटीज को जीरो कर देगा। अभी क्लियर हुआ? हाफ पर प्रोबेबिलिटी जीरो होगी। अरे हाफ पर तो जीरो पक्का होगी, आप देखो ना मास फंक्शन से, देखो हाफ पे प्रोबेबिलिटी ये कितना देगा, एक्स बराबर हाफ लोगे तो यही प्रोबेबिलिटी देने वाला फॉर्मूला है ना। ये जो फंक्शन है ये प्रोबेबिलिटी जोड़ करके बताने वाला है, और ये क्या है, प्रोबेबिलिटी देने वाला है पॉइंट पर। ठीक है, बात समझ में आई? इसी तरह से ये जो फंक्शन है एफ एक्स जब कंटिन्यूअस हो गया तो ये प्रोबेबिलिटी देगा, लेकिन ये पॉइंट पर नहीं देगा, क्योंकि इसमें कहीं कोई पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी नहीं दिख रही है। ये दिख रही है आपको? हाँ, कंटिन्यूअस फंक्शन में पॉइंट होता है कि नहीं होता है? उसे इंटरवल होता है। इंटरवल होता है, तो जब आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा और आप पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी बोलेंगे तो प्रोबेबिलिटी जीरो। ठीक है, मान लीजिए कि आपके आपने कोई एफ एक्स लिया, आपका एक्स जो है ग्रेटर देन टू है, प्रोबेबिलिटी दे रहा है ग्रेटर देन टू पर, अब कोई पूछे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बराबर तीन, तो हम कहेंगे जीरो। काहे कहेंगे भाई, क्योंकि वो पॉइंट में नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि हमारा एक्स कंटिन्यूअस है, लेकिन जब डिस्क्रीट रहेगा तो एग्जिस्ट करेगा पॉइंट। ठीक है, तो अब इस फंक्शन का भी, इस पीडीएफ का भी सीडीएफ बनेगा, ये भी प्रोबेबिलिटी जोड़ के बताएगा सीडीएफ इसका भी। हाँ, वो भी हम लोग बनाएंगे। बात क्लियर हुई कि नहीं हमारी? बोलिए। यस सर। यस सर। और जिनका कंफ्यूजन था वो कुछ दूर हुआ कि नहीं? यस सर। ओके, तो अब आते हैं हम, हाँ आप हमको जवाब दे देंगे इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, पहला क्वेश्चन कि व्हाट द रैंडम वेरिएबल एक्स रिप्रेजेंट्स, पहली चीज। नंबर 2, वेदर एक्स इज डिस्क्रीट आर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। नंबर 3, what will be probability x lies between 0.5 to 0.7? ये क्वेश्चन नंबर 7 में है आपके लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 का पहला लेते हैं डिस्कस करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x इंटू 2 माइनस एक्स, एक्स लाइज बिटवीन 0 टू 2 एंड 0 अदरवाइज। अब
ये कंटिन्यूअस फंक्शन है कि डिस्क्रीट फंक्शन है, तो आइए इस फंक्शन को का ग्राफ खींचते हैं। एक्स कहां से आता है, इरेजर, एनीवे इधर खींच लेते हैं। एक्स और एफ एक्स, यहां पी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बस यहां का पी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, हम पिछले पी में डिस्क्रीट ले रहे हैं, तो जनरली लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए लोग डिस्क्रीट फंक्शन को पी से डिनोट करते हैं और कंटिन्यूअस फंक्शन को एफ से डिनोट करते हैं। हालांकि जो प्रोबेबिलिटी का जोड़ है उसको दोनों ही केसेस में एफ से डिनोट करेंगे। अब ये जो फंक्शन है जीरो के पहले एफ एक्स की सारी वैल्यूज जीरो ले रहा है, तो एफ एक्स की सारी वैल्यूज यहां पे जीरो, इसके पहले इसी लाइन के ऊपर एक्स एफ एक्स, अगर आप ये कोऑर्डिनेट प्लॉट करो एक्स एफ एक्स, हाँ तो सारी वैल्यू आपको जीरो तक तो यही मिलनी। अब जीरो से आगे बढ़ते हैं, अब पॉइंट जीरो पर देखा जाए क्या हो रहा है, क्योंकि ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये एक्स लाइज बिटवीन जीरो टू टू के लिए भी दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि जीरो पे हमको यहां से भी वैल्यू मिलेगी। हाँ, तो यहां से जीरो के लिए वैल्यू क्या मिल रही है, जीरो। और जब हम जीरो से आगे बढ़ रहे हैं टू तक, तो भी क्या हमको एफ एक्स की वैल्यू, इसकी वैल्यू, हाँ एफ एक्स की जीरो ही मिलेगी कि कुछ और मिलेगी, जीरो ही मिलेगी, एक्स इनटू टू में हमको जीरो ही मिलेगी कि कैसी मिलेगी, हमको जीरो दे रहा है और एक्स सर जीरो नहीं मिलेगी, मतलब कुछ मिलेगी लोगों को, जैसे अगर x बराबर 1 रख लेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा, ओके कुछ ना मिलेगा, ओके। लेकिन x is equals to 0 और x is equals to 2 दोनों पे फंक्शन की वैल्यू कहां जा रही है, जीरो पे, जीरो यहां पे, यस सर। और इन बिटवीन दीस वैल्यूज ऑफ x ये फंक्शन कोई बिहेवियर लिए होगा क्वाड्रेटिक टाइप का, यस सर, यस। आप इसे ड्रॉ कर सकते हो, आप ट्रेस कर सकते हो, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, ठीक है। और इसके आगे, हाँ और इसके आगे फिर ये क्या होगा, चला गया। अब ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है कि नहीं है पूरे रियल लाइन पर, बोले सर कंटिन्यूअस होंगे सर, कंटिन्यूअस है इसलिए इसको कहा गया कि ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का फंक्शन है, ओके। नाउ अब देखा जाए कि ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है कि नहीं है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का, तो इसके लिए आपको पहला जो चेक करना है कि एफ एक्स का वैल्यू फॉर एवरी एक्स ग्रेटर देन जीरो आ रहा है कि नहीं। आइए एफ जीरो देखें, एफ जीरो बराबर कितना है, जीरो। एफ पॉइंट वन देखें क्या है, ग्रेटर देन जीरो सर, जीरो, ठीक है। एफ पॉइंट 1.9 देख लें, वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। एफ टू देख लें तो क्या है, जीरो, इक्वल टू जीरो, और बाकी एफ के की वैल्यू भी क्या है, इक्वल टू जीरो। तो हम क्या कह सकते हैं कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर एवरी एक्स, मींस
एफएक्स जो है यह एक ऐसा फंक्शन है जो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, क्लियर। अब देखना है कि इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफएक्स डीएक्स क्या आ रहा है। अब आपका फंक्शन तीन पार्ट में जुड़ा हुआ है, माइनस इंफिनिटी टू जीरो, जीरो टू टू एंड टू टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ एक्स डी एक्स। इस इंटरवल में आपका एफ एक्स हमेशा जीरो ले रहा है, इसलिए जीरो। इसमें हुआ जीरो टू टू एक्स इंटू टू माइनस एक्स डी एक्स प्लस जीरो। अब कोई बताए इसका आंसर कितना आया? वन आएगा, वन आ रहा है, कंफर्म चेक कर लीजिए। So this is equals to 2 by 2 x square 0 to 2 4 by 3 आ रहा है, उसी से हमने कहा ना कि चेक कर लीजिए। यस सर, 4 by 3 आ रहा है। एंड दिस इज इक्वल्स टू x क्यूब by 3 0 to 2 4 by 3 not equal to 1, यही हुआ ना? यस सर। कि मैं कुछ गड़बड़ नहीं किया हूं कैलकुलेशन? सही है सर। ओके, सो नॉट इक्वल टू वन, हेंस एफएक्स इज नॉट ए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, यहाँ हमने एक ये जो डिफिनेशन लिखी थी इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एंड इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। हाँ, इसमें थोड़ी सी चीज मैं और ऐड कर रहा हूं, एंड इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स ए टू बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी एक्स लाइज बिटवीन ए टू बी। अगर ये पीडीएफ है और आपसे किसी भी प्रोबेबिलिटी इंटरवल की पूछी जा रही है तो आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दीजिए उस रेंज में, तो आपको उसका प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा। अगर प्रोबेबिलिटी फंक्शन है तो अब इससे तो हम कोई प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करेंगे नहीं। जरा आगे वाला बोल दीजिए भाई, क्या है एफ एक्स इज इक्वल्स टू? x2x minus 1 कब ये फंक्शन वैल्यू ये लेगा? यस सर, x belongs to 0, 2 x belongs to 0, 2। जरा इसका पहले इंटीग्रल चेक कर लीजिए तो हम लोग आगे बढ़े कि ये वन हो रहा है कि नहीं, क्योंकि ये पॉजिटिव फंक्शन है, हमेशा ये आपको पॉजिटिव वैल्यू तो देगा, बस केवल इंटीग्रल चेक करना है। नहीं सर, नहीं है, नहीं है सर। ओके, सो रिजेक्टेड। नेक्स्ट, चलिए अब आप लोग चेक करिएगा, मैं दे रहा हूं एक फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड जीरो अदरवाइज। तो क्या एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर एवरी एक्स सही है कि गलत है, बोलिए? सर
ट्रू है कि फॉल्स? सही है सर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज पॉसिबल। जब भी आप कोई भी वैल्यू एक्स का रखेंगे तो वन अपॉन आ जाएगा और ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है। और इसका ग्राफ देखा जाए, जैसे जैसे आप एक्स को बढ़ाएंगे आपका डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा और फंक्शन की वैल्यू क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। तो ये ग्राफ आपका, अगर ये एक्स है, ये एफ एक्स है, तो जीरो पे ये देगा कितना, जीरो रखे तो वन, और इन्फिनिटी पे हो जाएगा जीरो, कुछ इस तरह का ग्राफ इसका जाएगा, टच नहीं करेगा ये, ठीक है। अब इसका इंटीग्रल देखिए, इंटीग्रल e टू द पावर माइनस एक्स डीएक्स जीरो टू इन्फिनिटी। हमने जीरो टू इन्फिनिटी क्यों लिख दिया, क्योंकि बाकी जगह करेंगे तो जीरो बाकी रेंज में, ठीक है। अब इसको हमने गामा इंटीग्रल में बदल दिया। गामा इंटीग्रल तो जानते हैं आप लोग ना? यस सर। तो अगर हम इसको गामा इंटीग्रल में बदल दें तो क्या हो जाएगा, वन माइनस वन ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स एंड दिस इज इक्वल्स टू गामा वन एंड इट इज इक्वल्स टू वन। तब ये क्या हो गया, पीडीएफ, ठीक है। अब कोई कहे कि इस क्वेश्चन में फाइंड प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन वन, ठीक है। इसका मतलब हुआ ये जो हमने निकाला वन, तो वो एक्चुअली निकाला क्या, ये दो ऑर्डिनेट जो हमारे थे x इज इक्वल्स टू जीरो और x इंफिनिटी, इन दोनों ऑर्डिनेट के बीच में फंक्शन कितना जगह घेरा, मीन्स एरिया आपने निकाला, और ये आ गया वन। इसका मतलब है कि टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी इसी क्षेत्र में पड़ी है, इसी एरिया में। हाँ, अब कोई पूछा x ग्रेटर देन वन, तो हम गए वन पर x बराबर वन। इसका मतलब है कि वो हमसे पूछ रहा है इधर की प्रोबेबिलिटी। तो आप इसको ये भी कह सकते हो कि भैया इट इज नथिंग बट इट इज वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन वन, लेस देन वन की लेस देन इक्वल टू वन, सर लेस देन और इक्वल टू होगा। हम इक्वल टू न लगाए तो सर, बट एरिया है तो वो एक पॉइंट का कोई मतलब इतना प्रॉब्लम नहीं करेगा, एरिया है तो प्रॉब्लम नहीं करेगा। ये चूंकि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में प्रोबेबिलिटी हम जब निकालेंगे, ठीक है, तो इक्वल टू पॉइंट पर तो जीरो मिलेगा। इसलिए अगर हम यहाँ लिख भी देते हैं और नहीं भी लिखते हैं तो भी कोई इसके रिजल्ट पे असर नहीं पड़ेगा। इसी तरह से यहां अगर इसने पूछा है ग्रेटर देन वन, हम इसे ग्रेटर देन इक्वल टू वन भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है और कंटिन्यूअस फंक्शन में पॉइंट पर कोई वैल्यू नहीं मिलती है, इम्पॉसिबल है पॉइंट वैल्यू, इसलिए प्रोबेबिलिटी भी इम्पॉसिबल का जीरो होगा। लेकिन अगर एक्स हमारा डिस्क्रीट फंक्शन है तब इसकी अलग अलग मीनिंग होगी। तो डिस्क्रीट में हमें केयरफुल रहना होगा। एनीवे, तो अब आप इसे निकालना हो इसको, तो आप इंटीग्रल वन टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स कर दीजिए। सो इट इज वन टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब अभी तो हमने सोल्यूशन इसका निकाल लिया था, उससे गामा इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से निकाल दिया था। अब ये इंटीग्रल आपका गामा इंटीग्रल नहीं है। हाँ, तो अब आपको इस इंटीग्रेंड को
सॉल्व करना होगा, इंटीग्रेट कर लीजिए और लिमिट रख दीजिए, आपको मिल जाएगा। बात क्लियर हुई कि नहीं? यस सर। ओके, अब आगे एक क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चन डाला हुआ था कि ए शूटर हिट्स ऑन ए स्ट्रिंग ऑफ 5 meter लेंथ, ओके, एंड व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द हिटिंग पॉइंट इज लेस देन 5 centimeter, लेस देन 2 centimeter या 5 meter, 2 meter जो भी रहा हो यूनिट उसमें। अब वहां पे हम जिस रैंडम बैरियर, जिस एक्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस सैंपल स्पेस की, वॉइस ब्रेक हो रहा है। अच्छा, वॉइस ब्रेक हो रहा है, आप सही है? नो सर, सही है, क्लियर है सर। यस सर। अच्छा अच्छा, तो ओके, तो जो हमने पहले क्वेश्चन डाला हुआ था कि एक्स इज अ रैंडम, वो शूटर का क्वेश्चन था कि वो किसी 5 meter लंबी स्ट्रिंग पे हिट करता है और उसका हिटिंग पॉइंट का सैंपल स्पेस लिखना था। तो वो सैंपल स्पेस रैंडम वेरिएबल था क्या, किसी को याद है? नो सर, नहीं याद है? याद है। ओके, तो वो सैंपल स्पेस कुछ इस तरह का था, s इज इक्वल्स टू x सच दैट x लाइज कंटीन्यूअस था वो 0 to 5, ओके, और x क्या था, डिस्टेंस इन मीटर, x था डिस्टेंस ऑफ रोप यार स्ट्रिंग इन मीटर। तो x कंटिन्यूअस फेनोमेना है कि डिस्क्रीट फेनोमेना है? हाँ सर, और एक बार बताइए ना प्लीज, मेरा कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम था इसीलिए मैंने लेफ्ट होकर फिर से ज्वाइन किया मैंने। ओके, मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर x जो है, हाँ, ये कंटिन्यूअस फेनोमेना है कि डिस्क्रीट फेनोमेना है आपका रैंडम वेरिएबल x? कंटिन्यूअस फेनोमेना है, ठीक है। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालना हो कि गोली चलाई जाए तो गोली रस्सी को ओरिजिन से 5 centimeter 2 meter पे जाके हिट करे, तो इसके लिए आप क्या चाहोगे, आप चाहोगे न जानना प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लाइज बिटवीन 0 to 2, या आप इसे इसको ऐसे भी कह सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लाइज बिटवीन 0 to 2, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लाइज बिटवीन 0 to 2, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लाइज बिटवीन 0 to 2। क्यों ऐसा कह सकते हैं? क्योंकि हमारा x कंटिन्यूअस फेनोमेना है। यहां जो हमारा सैंपल स्पेस है वो खुद में क्वांटिटी में है, रियल नंबर में है, और ये जो रियल नंबर है वो कंटिन्यूअस फेनोमेना का है। तो अब हम इस पे जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। अब अगर ये कहा जाए कि If x is a continuous random variable and that x is uniformly distributed
ओवर x lies between 2 to 7, then we can write probability function of x. Like x fx, x 2, x 7, and your function is uniform. Okay, so if you want to make this function as it is taking positive values because it is in first quadrant. So it is taking positive value. Now, if your function takes an area in this region equals to how much? Equals to how much? If we write fx in such a way that the area of this one becomes how much? Meri awaaz ja rahi hai ki nahi? So one. A one. Agar hum is fx ko aisa likhe ki yah area ek ho jaye, to hum kahenge ki yah fx iska इस रैंडम वेरिएबल एक्स का प्रोबेबिलिटी फंक्शन है. ठीक है, तो हमने कहा कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू सी, एक्स लाइज बिटवीन 2 to 7. एक कांस्टेंट दे दिया, कांस्टेंट फंक्शन बताया गया एफ एक्स को. नाउ अगर आप इसे निकालोगे विद द प्रॉपर्टी दैट योर एफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो and you put the integral fx dx 2 to 7 as 1, you will get c is equals to 1 by 5. So, now your probability function is fx is equals to 1 by 5 if x lies between 2 to 7 and 0 otherwise. Now you can obtain probability of x lies between goli 3 origin se 3 distance pe hit kare. So 0 to 3. So just this is 1 by 5, this height is 1 by 5. You want less than 3, means you want this region. You just calculate area of this region. How much is the area? It is rectangular shape. So it is 1 by 5. Now let us calculate by this integral. Integral 0 to 3 fx dx. And this is equals to 1 by 5. Oh, sorry. 0 to 3. Ek batao bhai. Ek minute. This is equals to 0 to 3, 1 by 5 dx. Maine sahi likha ki nahi likha? Yes, sir. No, sir. 0 se 2 ke beech mein 0 ka graph aur uske baad 1 se 3 ke beech. Ek ki baat. To humne ye function ki value hi yahan galat likh di. Okay? To jab galti nahi karte to pakad mein nahi aati, isliye maine ise likha. Now is fx ki value is interval mein aapke paas available nahi hai. इस fx की वैल्यू आपके पास अवेलेबल कितने इंटरवल्स में है? तो 3 इंटरवल्स में.
माइनस इंफिनिटी टू टू, टू टू सेवन एंड सेवन टू इंफिनिटी। तो या तो आप इस डिफिनिट इंटीग्रल को ब्रेक करें, जीरो टू टू एफ एक्स प्लस टू टू थ्री एफ एक्स प्लस प्लस कह लिए, तीन ही तक जा रहा था। सो नाउ इट इज इंटीग्रल टू टू थ्री वन बाई फाइव डी एक्स एंड इट इज वन बाई फाइव, जो कि आप यहां एरिया से निकाल सकते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि इसी क्वेश्चन में व्हाट इज प्रोबेबिलिटी एक्स लाइज बिटवीन ओ वन टू टू गिवन एक्स वाज ग्रेटर देन 1.5। तो अब यहां ये सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं है, अब ये दो इवेंट बन गए, इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी। तो ये एक्चुअली क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, और हम लोगों ने जाना है कि दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मीन्स व्हाट, मीन्स प्रोबेबिलिटी एक्स लाइज बिटवीन वन टू टू इंटरसेक्शन एक्स ग्रेटर देन 1.5। नाउ दिस इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी, अब हमने एक लाइन बनाई एक्स की, दिस इज वन दिस इज टू सो दिस इज ए एंड दिस इज 1.5 सो हियर इट इज बी। सो ए इंटरसेक्शन बी इज 1.5 to 2। So you can say that it is probability 1.5 to 2 upon probability of B. Now, if you want to know it by graph, so this was your 2, 2 and 7 x fx. Now, here you want 1.5 to 2. So 1.5 to 2, the probability is how much? Zero. Okay. So this is zero. ठीक है, अगर आपका ये इंटरवल इसमें आया होता तो आपको कुछ मिलता। बट व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मींस वन आए कितना, वन, क्योंकि ग्रेटर देन 1.5 में आपका ये पूरा का पूरा रीजन आ जाएगा। ठीक है, आर यू क्लियर नाउ? यस सर। ओके, अब हम इस क्वेश्चन को कुछ ऐसा करें कि जीरो ना हो। ठीक है, तो हमने क्या लिया था, वन टू टू लिया था, तो टू टू फोर ले लेते हैं। प्रोबेबिलिटी एक्स लाइज बिटवीन टू टू फोर गिवन एक्स ग्रेटर देन थ्री। अब कोई हमको डायरेक्ट बता देंगे क्या होगा, डिनोमिनेटर होगा एक्स ग्रेटर देन थ्री, न्यूमिरेटर को टू टू थ्री, एक्स लाइज बिटवीन थ्री टू फोर थ्री टू फोर गुड
Now, go here in 3. Go here at 4. How much height? 1 by 5. How much this area is? Boliye. This is 3 and this is 4. Ye area kiske barabar hai? 1 by 5. So iska answer aayega 1 by 5. If you integrate, then. Now, x greater than 3. So this is 3. And x greater than 3 means you want area of this one. So how much is the area? 4 by 5. So this probability is 1 by 4. A same thing you can obtain by the integrating your probability density function. So probability. क्या आपने करने लगा भाई? Probability x lies between 3 to 4. Is integral 1 by 5 ही रहेगा 3 to 4 में, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू सेम है, dx 3 to 4 एंड दिस इज इक्वल्स टू 4 - 3/5, दिस इज 1/5 एंड इफ यू गो फॉर प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 3 देन यू आर Your integrand is fx dx from 3 to infinity. Now you are not having any function value in this range. So it will be 3 to 7 fx dx plus 0. And this is 4 by 5. Okay, now come on another function fx. Your probability density function is now 1 by 5 x lies between 2 to 7 and 0 otherwise. Now let us prepare this function. You have seen the graph of this function also. This function is what? This function is sum of probabilities, not the probabilities of any particular interval. It is probability of a defined interval from minus infinity to whatever the point you want. So, here it will be again, your x will be broken. Less than 2. X lies between 2 to 7. X lies between 7 to infinity. Now, if X is less than 2, it means what? You want like this. Probability of x less than 0.9. So what will be its value? Zero. So zero. whenever you put any value of x here less than 2, you will get always 0. Now, come at this point. When you put your x of this place in between a value in between this one. So what it will happen? Suppose 2x less than equal to 2.3. Then what we will do? We will integrate fx from minus infinity to 2.3 fx dx.
and in this case it will be 2 to 2.3 1 by 5 dx. If we put here 2.9, if we put here 6.5, if we put here 4.5, always get, you will get a value depending on this upper limit. Okay. You will get the value depending on this upper limit, whatever the limit you choose. Okay. So, if I take a value of this range, x lies between 2 to 7, then we can say that it is 2 to x fx dx. Now you put your x, you get the value. Okay? When we come here, then what will happen? Our x has crossed this boundary. So here you may be interested in like that integral 2 to x 1 by 5 dx, but your x belongs to 7 to infinity. So when your x belongs to 7 to infinity, it means it will be 2 to 7 fx dx. So here it is 2 to 7 fx dx plus 7 to infinity x fx dx, because your x is higher than 7. Why it is 2 to 7? Because you are taking from minus infinity to x. You can add here minus infinity to 0 fx dx. You can add here minus infinity to 0 fx dx. And finally, it will be capital Fx is equals to 0 if x is less than 2, and it is 1 by 5 into x minus 2 if x lies between 2 to 7, and it will be 1 if x lies between 7 to infinity. Now let us make the graph of this one and let us see whether there is any jump. Hello. Sir, 7 se zyada aur infinity ke beech mein to uski value 0 thi na. हाँ तो जीरो थी ना, लेकिन आप जब यहाँ पे जब कोई वैल्यू इसके बीच की लोगे, जैसे एफ, ये बड़ा कंफ्यूज करता है, इसलिए आपको ध्यान देना है. यस सर, ठीक है ठीक है. हाँ, अब जब आप निकालोगे f8, तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू 8. तो आप चलोगे ना माइनस इन्फिनिटी टू 8. यस सर ठीक है. एफ एक्स डी एक्स, तो पीछे वाले सब ऐड होते जाएंगे. ओके, सो नाउ दिस इज कैपिटल एक्स, कैपिटल एफ एक्स एंड दिस एक्स. हाँ, एक्स इज व्हाट? द पॉइंट, हिटिंग पॉइंट ऑफ गन ऑन द स्ट्रिंग, या डिस्टेंस ऑफ हिटिंग पॉइंट, नॉट हिटिंग पॉइंट, इट इज डिस्टेंस ऑफ हिटिंग पॉइंट. ये हमेशा सोचना चाहिए कि हम रैंडम वेरिएबल जिसको बोल रहे हैं वो है क्या. ओके, नाउ इफ यू आर टेकिंग एनी वैल्यू ऑफ एक्स लेस देन एक्स, योर कैपिटल एफ एक्स इज ऑलवेज 0 अप टू 2. नाउ सी एट द पॉइंट 2 वेदर देयर इज जंप आर ना, है क्या? पॉइंट 2 से आगे चलें, हम कहां से आ रहे हैं? माइनस इंफिनिटी से कैपिटल एफ एक्स को यहीं पे पाते हुए आए हैं यहां तक. अब मुझे आगे बढ़ना है. अब यहां से ऊपर से बढ़ेंगे या यहीं से आगे बढ़ेंगे, ये तय करना है.
मींस जंप लेंगे कि बिना जंप के ही आगे चलेंगे? जंप है सर। जंप है। जंप कब होगा सर? कंटीन्यूअस है सर, कंटीन्यूअस है तो जंप होगा, वो तो ये ग्राफ लेते हुए ऊपर जाएगा वन तक। अरे यहाँ से आप देखो ना, तो यही से तो मालूम हो जाएगा, ये टू पे क्या कह रहा है, जीरो इन द नेबरहुड ऑफ टू, ये क्या कह रहा है, जीरो, और ये जो कह रहा है इक्वल टू टू पर क्या कह रहा है, जीरो। यही तो आपके कंटिन्यूअस कंटिन्यूटी की डिफिनीशन है मैथमेटिक्स के, कि इस पॉइंट पर ये हमने नेबरहुड ऑफ टू लिया तो जीरो फंक्शन दिया वैल्यू, यहां पे टू पर लिया तो फंक्शन की वैल्यू, इक्वल टू पॉइंट पर लिया तो फंक्शन की वैल्यू टू मिला। इसका मतलब यहाँ पे कोई जंप नहीं है, यहीं से आगे बढ़ेगा, ठीक है। और हमें देखना है कि सेवन तक क्या सिचुएशन है। हाँ, तो अब इसमें आप कोई पॉइंट फाइव ले लीजिए, देखिए क्या हो है, इसी लाइन पर ही रह जाए तो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, फंक्शन लीनियर है इस रेंज में, तो ये ग्रो करेगा। हाँ, ग्रो क्या करेगा, इसका स्लोप आपको मालूम है 1/5 है, ये ग्रो करेगा लीनियर स्ट्रेट लाइन में चलेगा। अब स्ट्रेट लाइन में चलेगा तो कहां तक चलेगा, तो आप सेवन पे यहां रख के देख लीजिए, सेवन पे आपने यहां रखा तो ये क्या हो गया, वन। तो यहां पे हमने वन लिया एक पॉइंट, यहां से यहां मिला दिया, सॉरी। हाँ, अब सेवन के आगे क्या है, हर जगह वन है। अब कोई पूछे इस फंक्शन को देख करके कि एक्स बराबर 4.3 पर क्या प्रोबेबिलिटी है एक्स की, तो हम क्या बोलेंगे, जीरो बोलेंगे, क्योंकि देर इज नो जंप इन द सिटी ऑफ। यस सर। हाँ, कोई पूछे कहीं पर भी पूछे एक्स बराबर टू जीरो, एक्स बराबर सेवन जीरो, बिकॉज माय फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। बट अब कोई पूछे कि एफ फोर क्या होगा, तो क्या बोलेंगे, जीरो की कुछ और, ठीक है। तो अब एफ फोर क्या है, एफ फोर जो है सम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल में जाए लेस देन इक्वल टू फोर टू एफ एक्स डी एक्स, कहां से कहां तक, अगर एक्स आपका कंटिन्यूअस है तो आप इन प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे, यही हमने शुरू में आपको बताया यहां। ये यहां पे हम लोगों ने यही बताया कि हम प्रोबेबिलिटी पाने के लिए फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। ये देखिए कि अगर हमें एक्स की प्रोबेबिलिटी जाननी है तो हम प्रोबेबिलिटी फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे इस लिमिट में, अगर कंटिन्यूअस है तो। अब हमारा एक्स कंटिन्यूअस है और हम ये प्रोबेबिलिटी जानना चाहते हैं, तो बाय द डेफिनेशन ये हमारा इंटीग्रल जीरो टू जीरो हुआ, जीरो हुआ। एक्स इज इक्वल्स टू फोर, एक्स कंटिन्यूअस है, बाय डेफिनेशन एफ एक्स डी एक्स फोर टू फोर,
ठीक है, बट एक्स लेस देन फोर, एक्स कंटिन्यूअस है बाय द डेफिनेशन माइनस इनफिनिटी टू फोर, हाँ एफ एक्स डी एक्स माइनस इनफिनिटी टू फोर, डू यू गेट माई पॉइंट? हम ये बात इसमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, किसमें कंटिन्यूअस, आपके सीडीएफ में, आपके सीडीएफ में जंप कहीं नहीं, आपका ये जैसे अगर आप पुराना सीडीएफ देखो डिस्क्रीट वाला, हाँ ये सीडीएफ देखो, इसमें हर पॉइंट पर जीरो पर वन पर और टू पर हमको जंप मिला था, हमारा कैपिटल एफ एक्स कूद जा रहा था, हाँ यहाँ पे जीरो पे कुछ और था, यहाँ के जीरो पे कुछ और था, यहाँ के वन पे कुछ और था, यहाँ के वन पे कुछ और था, तो फंक्शन डिस्क्रीट था, कंटिन्यूअस नहीं था, इसलिए जहां पर वो डिस्क्रीट था वहीं पे प्रोबेबिलिटी मिल रही थी, बाकी जगहों पे प्रोबेबिलिटी जीरो थी क्योंकि वहां पे जंप नहीं था। वही मैं यहाँ दिखा रहा हूं कि चूंकि यहाँ पे आपको किसी भी पॉइंट पे जीरो नहीं, जंप नहीं मिल रहा है इस फंक्शन में, हमारी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। तो हमारे ख्याल से अब आप क्वेश्चन नंबर एट के जितने भी हो सकते हैं आप हमें शाम तक, कल भी पढ़ना है कि नहीं संडे को? नो सर, नहीं सर। अरे तो सर संडे को, कल तो मैंने क्लास नहीं लिया था ना। सर ठीक है, अगर आप लोग शाम तक मुझे इसमें के जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपको, हाँ कोशिश करके ग्राफ खींचने का, चेक करने का कि वो डेंसिटी फंक्शन है कि नहीं, पहली चीज। दूसरा क्वेश्चन नंबर आठ, इन प्रॉब्लम एट कंप्यूट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर द डेंसिटीज इन पार्ट थ्री टू एट। अच्छा, बाकी सभी डेंसिटी हैं, हाँ तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन तो आप आठ नौ दस ये चीजें आप ट्राई करिए, आठ नौ दस अगर क्लास नहीं लेना है तो, और मैंने इसे आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। तो अब आप अगर करना चाहते हैं तो हमें बताइएगा कल, क्योंकि कल संडे है, मैं भी घर पे ही रहूंगा। अब मंडे को फिर मेरी क्लास शायद ना हो क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगा, कोशिश करूंगा कि मंडे को नौ सर टेन तक करना है ना, टेन तक करना है ना, टेन तक सर एट का एट नाइन टेन ना, एट नाइन टेन, एट का एट नाइन टेन नहीं भाई, एट का सेकंड थर्ड एंड एट्थ, एट्थ का तो दूठे तो हम कर ही लिए ने, हम लोग दूठे तो डेंसिटी नहीं थी, हाँ शायद थर्ड से लेकर के एटीएस तक ये सभी डेंसिटी हैं, क्योंकि प्रॉब्लम नंबर नाइन में जैसा बोल रहा है उसके अनुसार ये सभी डेंसिटी होंगी। तो क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर नाइन, क्वेश्चन नंबर टेन, टेन में कुछ नहीं करना है, केवल चेक करना है कि डेंसिटी है कि नहीं, दो बातें चेक करनी है कि ग्रेटर देन जीरो है कि नहीं फंक्शन, और इंटीग्रल वन हो रहा है कि नहीं, नहीं सी निकालना है, हाँ तो वन बराबर मान करके इंटीग्रल सी निकाल लीजिए, ठीक है। यस सर जो आप सर आपने ये मतलब जो पढ़ाया हुआ है इसको शेयर कर देंगे, हम लोगों का एक मतलब मेल में बना हुआ है, उसमें हम लोग सब लोग की मेल अटैच है, तो सबके पास ये इसका पीडीएफ पहुंच जाएगा, तो हम लोग नोट्स वगैरह भी और अच्छे से बना लें, सेव करते हैं, देख रहे हैं अगर सेव हो गया तो, अभी तो आज तो पहली बार ट्राई किया इसको, सेव हो जाएगा क्या यहाँ से अगर हम करें सेव एज डेस्कटॉप न्यू फोल्डर इज अनअवेलेबल, क्या कर रहा है, अच्छा लेक्चर 17th
कहां सेव किया ये बताइए, भी नहीं किया ससुरा सर, पीडीएफ कर लीजिए सर, उधर भी आप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ये पीपीटी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, पीडीएफ बना के कर दीजिए ना ये सर, वो भी हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा पीपीटी सर, वो भी पीडीएफ, ये सर पीडीएफ या पीपीटी सर, पीडीएफ पीडीएफ बना के भेज दीजिए, अदर फॉर्मेट, अदर फॉर्मेट में पीडीएफ तो इसमें दिखा नहीं रहा है, सर वहां पे हो जाएगा, प्रिंट में जाइए वहां से हो जाएगा, पीडीएफ कर लीजिए, प्रिंट करके पीडीएफ कर ले, है अच्छा प्रिंट, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, ओके फाइल तो सेव हुई होगी, वैसे डेस्कटॉप पे हमने लेक्चर 17 का नाम से बनाया था वर्ड फाइल, देखते हैं हो सकता है हिस्ट्री कर लेते हैं, ऑलरेडी रिप्लेस इट, नो क्यों डॉक एक्स हम कर रहे हैं पीडीएफ में बनाओ, तो ये तो पीडीएफ बनाना चाहिए ना इसका, भला कुछ किया तो लेक्चर डी पहले ये सेव हुआ कि नहीं लेक्चर, कुछ हुआ तो डॉक्यूमेंट फॉर्म में भी कर दें, डॉक्यूमेंट अभी प्रिंट ही कर रहा था, हम जल्दीबाजी कर गए उसको खोलने की ना, लेक्चर डी खुलेगा, फिर एरर दिखा रहा है, देयर वाज एन एरर ओपनिंग दिस डॉक्यूमेंट, दिस फाइल इज ऑलरेडी ओपन और इन यूज बाय अदर एप्लीकेशन, ओके लेक्चर 17 चलिए है, वर्ड फाइल तो है, अगर पीडीएफ नहीं भी मिला तो भी हो जाएगा हमसे, तो आप लोग हमको आपका वो ग्रुप मेल आईडी कैसे मिलेगा, कोई एक आदमी भेजिए, हेलो सर ग्रुप पर शेयर कर देते नहीं, तो शेयर कैसे होगा, हम मेल करेंगे तभी तो, कि इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में सर भेज दीजिए सर, अच्छा अच्छा ठीक है, तो पहले हम अपने मेल में लें तब ना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, चल रहा है इसमें, ओके कंपोज, तो आज का क्लास कुछ ठीक ठाक रहा, समझ आया कि नहीं, नई चीजें थी,
यस सर। क्लियर हुआ कि नहीं चीजें? नहीं क्लियर हुई? हुई सर, हुई सर, हुई सर। सर ये एक्सरसाइज सर किस पेज नंबर पे है? सर एक्सरसाइज किस पेज नंबर पे है? सर आप क्वेश्चन नंबर 8 और 9, 10 बोले सर। तो ये पीडीएफ जो हमने आपको भेजा था ग्रुप में क्वेश्चन का सेट, यस सर, यस सर, उसका बोल रहा हूँ, ये बुक का नहीं बोल रहा हूँ जो मेयर वाली है। ये एक दिन हमने भाई पूरा कहानी हो गई तब पूछ रहे हो? नहीं सर, एक्चुअली मैं क्लास करा था फिर मैं उस समय। अच्छा, ओके सर। तो ठीक है, ठीक है भाई, बड़े 17 लोग 16 लोग तो जमे हैं, बाकी तो सब भाग खड़े हो रहे हैं। यही है कि इम्तिहानों में पास हो जाएं लोग क्वेश्चन पूछने पर। आपके पास पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है कि नहीं, जरा मांगिएगा अपने सीनियर्स से। है सर। है तो जरा हमको भेज दीजिएगा, क्योंकि पिछले साल का क्वेश्चन पेपर एकदम डिफरेंट रहा होगा, जो हम चीजें पढ़ा रहे हैं मैथमेटिकल ज्यादा चीजें पूछी गई रही होंगी। अब कुछ उसको देखा है कि नहीं, कुछ समझ में आता है क्वेश्चन? सर एकदम स्टार्टिंग में भैया लोग भेजे थे तो देखे नहीं, क्योंकि कुछ पढ़े नहीं थे उस टाइम। ठीक ठीक, ओके तो बंद करते हैं। यस सर, थैंक यू। हाँ अब कल पढ़ना होगा तो बताइएगा आप लोग, अदरवाइज मंडे को। सर कल सबके पास काम होता है, सबकी टाइमिंग थोड़ी अलग अलग होती है, कोई बाहर का बोलता है, कोई का बोलता है, कुछ काफी लोगों का क्लास छूट जाएगा अगर आप लोग देते। नहीं, हम तो आपके ऊपर ऑप्शन दे रहे हैं ना, करने थोड़े जा रहे हैं क्लास। अब मंडे को थोड़ा मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगा तो हो सकता है कि मंडे को फिर डिस्टर्ब रहे क्लास। ठीक है, ओके।